सिनेमा के सुपर विलेन अवधेश मिश्रा ने 12वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2017 में मिला अपना अवार्ड सुशील सिंह को देकर एक मिसाल पेश की है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है। हुआ यूं कि अवधेश मिश्रा को भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2017 में फिल्म ज्वाला के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने मंच से ही इस अवार्ड का असली हकदार सुशील सिंह को घोषित करते हुए उन्हें अवार्ड दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशील सिंह बेहद अच्छे अभिनेता हैं और उन्होंने मोकामा 0 किलोमीटर में कमाल का अभिनय किया है। मोकामा 0 किलोमीटर से उन्होंने नेगेटिव किरदार के मापदंडों का नया लकीर खींचा है। जानकारों का मानना है कि अवधेश मिश्रा ने ऐसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरी के लिए किया। अगर उनका ये स्टेप इंडस्ट्री में परंपरा बन जाती है तो इससे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री और भी समृद्ध होगी। उनके इस बोल्ड कदम का अनुसरण भोजपुरिया हीरो को भी करना चाहिए ताकि अवार्ड के असली हकदार को उनका सम्मान मिले। मिश्रा ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि सुशील सिंह की मोकामा 0 किलोमीटर का इस प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में नॉमिनेशन नहीं हो सका। इस वजह से उनका नॉमिनेशन भी अवार्ड समारोह में नहीं हो पाया। ये पूरी तरह से फिल्म के प्रोड्यूसर की लापरवाही थी कि उन्होंने इस अवार्ड में अपनी फिल्म को नॉमिनेट नहीं करवाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उम्दा टैलेंट को सम्मानित नहीं किया जाए। सुशील सिंह बेशक एक अच्छे और मजे हुए अभिनेता और खलनायक है, वो इस अवार्ड को डिजर्व भी करते हैं, मुझसे ज्यादा इस पर उनका हक बनता है, इसलिए मैंने उन्हें यह अवार्ड दिया। वैसे भी मोकामा 0 किलोमीटर में उनकी अदाकारी का मैं कायल हूँ। बता दें कि अवधेश मिश्रा और सुशील सिंह ने साथ में कई सारी फिल्में एक साथ की हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट।